बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बेनीपट्टी में होली के दिन हुई 5 हत्याओं को काफी दुखद बताया और कहा कि बिहार सरकार इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पत्रकारों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिना प्रमाण के बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाना गलत है। इस मामले में सांसद सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी घेरते नजर आए। घटना बहुत ही दुखद है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब देखिए, सरकार में कोई बचेगा नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता। बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने क्या? केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं क्या है। और देखिए, जब बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के प्रवक्ता बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने एक बार फिर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मधुबनी हत्याकांड और कटिहार में बीती रात आरजेडी नेता की हत्या का मामला उठाते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है, अपराधी बेखौफ होकर आए दिन बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अपराधियों का तांडव हो रहा है, बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, ये दिख रहा है। चारों ओर कहीं मधुबनी में 4 लोगों की हत्या, राजद नेता की हत्या, शराब पीने से लोगों की जानें चली गई जहरीली शराब से, तो ये दिख रहा है कि बिहार में अराजक स्थिति है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में अग्निपीड़ित परिवारों से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतक के परिजनों को आपदा विभाग की ओर से 4-4 लाख रुपए की मुआवजा दी गई। आपको बता दें कि जिले के कल्याणपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में कई घर जलकर राख हो गए, वहीं एक घर में सो रहे 3 लोगों की झुलस कर मौत हो गई थी। और चलिए, भगवान की कृपा थी, अग्नि देवता शांत हुए, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तीन तीन लोग मृत्यु हो गया इसमें। तो हम लोग बिहार सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपये का जो सरकार की तरफ से मिलता है, 4-4 लाख रुपया, 20-20 हज़ार रुपया और 98,900 रुपया 22 आदमी के प्रत्येक आदमी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहे कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कोरोना वैक्सीन लेने की बात कही। इस मौके पर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर भाजपा के जीत का दावा भी किया। बंगाल चुनाव में यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुछ उनके विरोधी रहें और इसीलिए उन्होंने यह एडवाइस किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह किसी और जगह भी भर लें, क्योंकि वह नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। अगर वह बात मान जाएंगी तो एक अच्छा विरोधी दल का नेता भी बन जाएगा। नवादा में जहरीली शराब कांड में एसपी की अनुशंसा पर मगध डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष टीएन तिवारी को निलंबित कर दिया है। मालूम हो कि बीते दिन पटना से उच्च स्तरीय टीम को जांच के लिए नवादा भेजा गया था, जिसमें उन्होंने यह संभावना जताई थी कि लोगों की मौत का कारण शराब हो सकता है, जिसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में चौकीदार को पहले से सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने कहा कि दोषियों की किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम लगातार मामले की छानबीन कर रही है। मालूम हो कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद ना तो शराब तस्करी रुक रही है और ना ही शराब का निर्माण। ऐसे में जहरीली शराब से मौत की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय है।